प्रथम तहलका न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां DHS दफ्तर में भी अब कोरोना का खतरा मंडराने लगा है। आपको बता दें, हेल्थ डायरेक्टर सर्विसेज के PA की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, तो वहीं हेल्थ डायरेक्टर सर्विसेज के PA की पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव आई है। आपको एक बार फिर से बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर जो चंडीगढ़ से है, जहां DHS दफ्तर में भी अब कोरोना का खतरा मंडराने लगा है। हेल्थ डायरेक्टर सर्विसेज के PA की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, तो वहीं हेल्थ डायरेक्टर सर्विसेज के PA की पत्नी की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। एक बार फिर से हम आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर जो चंडीगढ़ से आ रही है, जहां DHS दफ्तर में भी अब कोरोना का खतरा मंडराने लगा है। आपको बता दें, हेल्थ डायरेक्टर सर्विसेज के PA की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। आपको यह भी बता दें कि हेल्थ डायरेक्टर सर्विसेज के PA की पत्नी की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। इस वक्त की बड़ी खबर जो चंडीगढ़ से आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां DHS दफ्तर में भी अब कोरोना का खतरा मंडराने लगा है। आपको बता दें, हेल्थ डायरेक्टर सर्विसेज के PA की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, तो वहीं हेल्थ डायरेक्टर सर्विसेज के PA की पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव आई है। आपको एक बार फिर से बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर जो चंडीगढ़ से है, जहां DHS दफ्तर में भी अब कोरोना का खतरा मंडराने लगा है। हेल्थ डायरेक्टर सर्विसेज के PA की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, तो वहीं हेल्थ डायरेक्टर सर्विसेज के PA की पत्नी की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। एक बार फिर से हम आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर जो चंडीगढ़ से आ रही है, जहां DHS दफ्तर में भी अब कोरोना का खतरा मंडराने लगा है। आपको बता दें, हेल्थ डायरेक्टर सर्विसेज के PA की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। आपको यह भी बता दें कि हेल्थ डायरेक्टर सर्विसेज के PA की पत्नी की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। इस वक्त की बड़ी खबर जो चंडीगढ़ से आ रही है।